बिग बी के घर पर जल्द बजेगी शहनाई। अब लड़ियों लाइट से रोशन होगा जुहू वाला बंगला। क्या अब दुल्हन बनने जा रही हैं अमिताभ की नातिन नव्या को मिल गया है उनका ड्रीम बॉय। अमिताभ की नातिन नव्या किस एक्टर संग लेंगी सात फेरे, आइए जानते हैं इस खबर को एकदम डिटेल से। दरअसल बच्चन परिवार से कुछ महीनों से सिर्फ क्लैश की ही खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स में सिर्फ अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के बीच अनबन की खबरें छापी जा रही थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुख के काले बादल छट गए हैं। इन क्लैश के बाद एक बार फिर बच्चन परिवार में खुशियों ने दस्तक दे डाली है, क्योंकि अब खबरें हैं कि अमिताभ अपनी लाडली बेटी श्वेता की बेटियां यानी कि बिग बी की नातिन की शादी की तैयारी कर रहे हैं। नव्या नंदा जल्दी ही बॉयफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। दरअसल ऐश्वर्या की भांजी नव्या नंदा इन दिनों अपने पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या को लेकर सुपर लेवल पर लाइमलाइट में छाई हुई हैं। ऐसे में इस पॉडकास्ट के दौरान नव्या ने नानी जया से शादी के फैसले पर सवाल किया था। उन्होंने नानी से पूछा, क्या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करना ठीक है, क्या दोस्ती में रोमांस लाया जा सकता है। उनके इस सवाल पर नानी जया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर श्वेता बच्चन ने बेटी से कहा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अगर दोस्ती में दोस्त के लिए फीलिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हाँ, इसमें गलती क्या है, क्योंकि एक ही जिंदगी है, वो भी छोटी सी। हालांकि नव्या ने उनसे आगे पूछा कि क्या दोस्ती के बीच रोमांस रखना सही है, खासकर आगे दो लोग सिर्फ दोस्त हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी भी करनी चाहिए। नव्या के इस सवाल को सुनने के बाद जया ने जवाब दिया, शादी के बाद रोमांस खिड़की से बाहर चला जाता है। नव्या फिर जया से कहती हैं, अगर दो लोग अच्छे दोस्त हैं तो क्या उन्हें रोमांटिकली इन्वॉल्व होना ठीक बात है। श्वेता ने इस पर कहा, मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में होते हैं तो आप इस इंसान को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब जया ने श्वेता से पूछा कि इस मामले में रोमांस कितने समय तक चलेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मम्मा। अब जैसे ही ये पॉडकास्ट पब्लिक डोमेन में आया, वैसे ही नव्या की शादी की शहनाई बजने वाली है, ऐसी खबरें सामने आने लग गई हैं। इस पॉडकास्ट के बाद से खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द नव्या अपने बेस्ट फ्रेंड और रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धांत चतुर्वेदी से शादी कर लेंगी और बच्चन परिवार को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। हालांकि नव्या या फिर उनकी मम्मी और नानी ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया कि नव्या शादी करने जा रही है, लेकिन उनके इतने सारे सवालों को सुनने के बाद से तो लोगों को जरूर उनकी शादी को लेकर हिंट मिल गया है, क्योंकि नव्या सिद्धांत चतुर्वेदी की दोस्त हैं, अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं और ये कई बार साथ में स्पॉट भी होते रहते हैं और कई बार इनकी डेटिंग रूमर भी आ चुकी है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नव्या के इतने सारे सवालों और हिंट के बाद सिद्धांत और नव्या के रिश्ते पर फाइनल मुहर कब तक लगता है, ये पब्लिकली कब तक अपने रिश्ते को कबूलते हैं। वेल आप बताइए, नव्या की सारी बातों को सुनने के बाद क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि नव्या सिद्धांत से शादी कर सकती हैं? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।